देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है कि वे ओमिक्रॉन को लेकर सचेत रहें, क्योंकि ये वेरिएंट 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 213 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के नए मामलों की पुष्टि हुई है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से खबरें मिलने लगी है, जहां कोरोना के नए वेरिएंट के मामले मिल रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने कल इस सिलसिले में बैठक भी बुलाई है, क्योंकि नए साल को लेकर तैयारियां, जश्न की तैयारियां लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि और ना परेशानी बढ़ जाए। और इसको लेकर सरकार की सख्ती, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस बहुत जरूरी है। तो आने वाले दिनों में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद कुछ सरकार तय कर ले, क्योंकि कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर कदम उठा लिए हैं, लेकिन अभी क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई कदम, इस पर हमारी निगाह है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में इस तरीके से खबरें मिलनी शुरू हो चुकी है, जहां ओमिक्रॉन का खतरा अब बहुत हद तक बढ़ रहा है। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य हैं। देश क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां कर रहा है, लेकिन देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया है कि वे ओमिक्रॉन को लेकर सचेत रहें, क्योंकि ये वेरिएंट 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को वॉर रूम एक्टिव करने के लिए भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते केस का विश्लेषण करने के लिए कहा है, साथ ही जिला स्तर पर सक्रिय कार्रवाई करने को भी कहा गया है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 216 मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में नए मामलों की बढ़ोतरी हुई, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इस तरह ओमिक्रॉन अब तक 13 राज्यों में फैल चुका है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 3 दिसंबर को सामने आया था। दुनिया में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार भारत में अब तेज हो चली है। महाराष्ट्र में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 11 मामले एक साथ सामने आ गए, जिसके चलते इस वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 65 है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 11 और लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं, ओमिक्रॉन की चपेट में हैं, और 11 मरीजों में 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से कम है। पूरे देश में एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी परेशानियां गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, बल्कि ओमिक्रॉन का खतरा अब तो जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच चुका है। वहां की क्या स्थिति है, ये हम आपको अपडेट करते हैं। जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इन लोगों के सैंपल 30 नवंबर को लिए गए थे, सभी की हालत स्थिर है। तीनों मरीजों की कोई विदेशी ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है। ओमिक्रॉन के 3 मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में RT-PCR टेस्ट कराने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आने के बाद प्रशासन फिर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब यहां मास्क न पहनने पर पहली बार 200 रुपए और दूसरी बार में 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी फैसला लिया है। और यह फैसला क्या है, यानी 30 दिसंबर से 2 जनवरी जो जश्न का माहौल लोग तैयारी करने की सोच रहे हैं, उस बीच सरकार की सख्ती सामने आ जाएगी। न्यू ईयर पार्टी और दूसरे आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस तरह गुजरात के 8 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू है। 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है इस नाइट कर्फ्यू को। क्रिसमस और नए साल में होने वाले जश्न पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। नाइट कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इजराइल में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत की खबर सामने आ चुकी है। इजराइल के एक अस्पताल की ओर से यह पुष्टि कर दी गई है। मृतक पहले से कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित था। 2 हफ्ते पहले ओमिक्रॉन मरीज को कोरोना वायरस वार्ड में भर्ती किया गया था। तो इजराइल में ओमिक्रॉन से पहली मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। 2 हफ्ते पहले ही यह मरीज भर्ती हुआ था, लेकिन आप इसको लेकर संजीदगी बरतिए, क्योंकि यह खतरनाक है। और यही वजह है कि डिटेल हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल भारत में भी क्या स्थिति है। और इन सबके बीच WHO का क्या दावा है, यह भी हम आपको बताते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब 106 देशों में अपने पैर पसार चुका है। एक रिपोर्ट की माने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है और पूरी दुनिया इसकी जद में आती जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका है, जहां ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। इसराइल की खबर हम आपको अपडेट कर चुके हैं, जहां पे एक व्यक्ति की
मौत हो चुकी है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, ग्रामालय नाम का संगठन वॉश और मिनिस्ट्रियल हेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में 3 दशकों से ज्यादा समय से काम कर रहा है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु में कुछ इलाकों में हुई थी और अब ये पूरे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पुडुचेरी में मौजूद है। ग्रामालय ने 6 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालयों को बढ़ावा दिया है। मिशन पानी में देखिए ग्रामालय की कहानी। Since 1987, when Gramalaya was formed, we used to work for sanitation and water facilities in the rural areas. In the year 2000, we started working in the urban areas, where we come across several slums in the areas lacking basic sanitation facilities, as well as safe drinking water problems. So we used to closely work with Trichy City Corporation, then by forming community-based organizations in the wherever we start working in a village or in a slum, our major program was implemented through the community-based organizations. That is called the SHE teams, sanitation and hygiene education teams, or self-help groups, or washman committees. Gramalaya could able to construct more than 6 lakh toilets, individual household toilets in South India. Also, we have mainly worked for providing safe drinking water supply to the rural households, where we could reach more than 36,000 households with safe drinking water taps connection. So these were all the activities we have mobilized from the local government support as well as central government support in different schemes. During the Kerala floods, Gramalaya worked in 5 districts of Kerala with UNICEF support. Our major activities was there, rejuvenation of the drinking water wells, as well as retrofitting of individual household toilets affected by the floods. Those wells are chlorinated and cleaned and also renovated by Gramalaya with UNICEF support. Thereby people can get potable water supply from the drug well source.